ऐसे कैसे हो गया, ये मुझे पढ़ाई है, मुझे मुझे क्यों नहीं सर बुलाया, क्योंकि मैं वो काम नहीं की थी उस टाइम पे। ये हकीकत बात है, उस टाइम पे वो काम की थी इसलिए उनको बुलाया गया था, मेरे अंदर वो आग लगी थी, लेकिन ये आग नहीं लगी थी कि वो मतलब वही रहे या कुछ ना कर पाए, ये आग लगी थी उनको बुलाए हैं तो मेरा भी नाम एक दिन गर्व से फैम सर बुलाएंगे। आग लेकर ये बिजनेस की शुरुआत आज से कुछ साल पहले क्या सर बहुत लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं 10 साल 12 साल, तो मेरा भी जिंदगी की एक 12 साल की कैरियर स्मार्टवेयर से जुड़ी है। तो 12 साल बहुत हो गया दोस्तों, एक छोटी सोच लेकर आई थी, एक गांव की ही लड़की मैं भी हूँ, जहाँ पास आज भी बहुत सारा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जब बिजनेस स्टार्ट की थी तो रास्ते में पैदल चल चल के की थी, साइकिल थी मेरे पास जब मैंने ये बिजनेस को शुरुआत किया था, लेकिन जब फहीम सर ने एक ही बार बोला था, पता नहीं सर को वो बात याद है कि नहीं याद है, लेकिन मुझे भी याद, आज भी याद है कि 3 साल अगर तुम बीए करोगी तो बीए की डिग्री लेके बाहर मार्केट में तुम 20,000 नहीं कमा पाओगी। ये हकीकत बात है, वाई पार्ट क्लियर होता है ना, मेरा भी वाई पार्ट क्लियर किया गया था, और सर ने बोला अगर वही 3 साल तुम स्मार्टवेल में बीए कर लेती हो मतलब ग्रेजुएशन, तो मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारे हाथ में एक कार होगी। तो मैंने ये बिजनेस सन 2010 में स्टार्ट किया था, अपना दिमाग ना लगा करके, समझ रहे हैं क्या, अपना दिमाग ना लगा करके, मेरे दिमाग में फहीम सर का दिमाग था, मेरे दिल में फहीम सर का दिल था, और मेरे जुबान पे जो बातें होती थी वो सर की होती थी, क्योंकि हमारा बिजनेस किस चीज का है, कॉपी और। तो जैसे जैसे सर को मैं देखती गई, कॉपी करती गई और पेस्ट अपने बिजनेस में उतारती गई, और उसी का नतीजा हुआ कि 3 साल ग्रेजुएशन ना करके मैं एक साधारण लड़की 12th क्लास पीछे बैठा करती थी, सेकंड डिवीजन से पास हुई थी बहुत कम नंबर से, 3 साल में स्मार्टवेयर में कार आई। नहीं बोलूंगी, खुन्नस दिया था कि मतलब
दिमाग उसका हो गया था मेरे से ऊपर ना जाए। तो उसी खुन्नस में मैंने बोला भैया नहीं, पहले कार लूंगी, फिर 14 लाख की कार उसी टाइम में ले ली थी, तो 14 लाख की कार ले ली थी। और वो कार भी सही बताओ मेरी पसंद की नहीं थी, वो कार थी सर की पसंद की। संगीता कैथवास फिर से रूबी पिंक का मोमेंटो स्टेज पे आपको लेके